हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कशीट को अलग अलग पेज पे कैसे प्रिंट करते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहां पर इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग टेबल हमारे पास है, यानी कि तीन अलग अलग डेटा हमारे पास है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये डेटा जो है वो अलग अलग पेज पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए, दो डेटा के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है, उस पूरी रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बस यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी रो जैसे सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये रो पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में पेज लेआउट टैब पर। ये रहा पेज लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपको मिलेगा ब्रेक्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करिए और यहां पर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया तो ये पहला और दूसरा डेटा अलग हो चुका है। उसी तरीके से यहां पर देखिए, दूसरे डेटा के पास यहां पर इस वाली रो को, दूसरे डेटा के बाद वाली रो को हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी तरीके से फिर से पेज लेआउट टैब पे जाना है और यहां पर ब्रेक्स पे जा करके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब ये तीनों, यहाँ इसमें तीन ही डेटा था तो हमने दो पेज ब्रेक लगा करके तीनों को अलग कर दिया। अब मैं जब प्रिंट कमांड दूंगा तो देखिए तीनों डेटा अलग अलग आपको यहां पर दिखाई देगा। देखिए ये पहला डेटा है। अब यहां नीचे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए दूसरा डेटा है और ये देखिए तीसरा डेटा है। ठीक है,